अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अरसलान, जेडफ्लिक्स चैनल इस्लामाबाद के साथ। आज हमारा टॉपिक है पीएम इमरान खान साहब की तकरीर। खान साहब ने जो कल तकरीर की अपनी मुखालफिन के बारे में, उसके बारे में क्या तासरात हैं आप? यार, खान साहब के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। जो उन्होंने कहा कुछ भी उस तरह का नहीं किया, ना करना चाह रहे हैं, पता नहीं किसकी बात है। खान साहब ने कल अपनी तकरीर में बयान किया है कि चाहे मेरी जान भी चली जाए, हुकूमत तो बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मैं इस क्रप टोले का इंतसाब करूँगा। यार, ये बुजलाना बात की है सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। अगर कुछ सच्ची मुची एक्शन लेना होता, कुछ करना होता, अभी तक हो चुका होता, मुल्क को सही रास्ते पे चला चुके होते, लेकिन करना नहीं चाह रहे शायद, या हमें एक डाल मटोल कर संभाल नहीं सक रहे हुकूमत। वरना हम खुद खान साहब के फेवर में है, बड़ी उनके लिए भाग दौड़ की है, बड़ा उनके लिए अभी भी दुआएं करते हैं, अल्लाह करे हो, क्योंकि ऐसा लीडर अभी तक आए नहीं, ऐसी बातें कम से कम कर तो रहे हैं। उसने बिल्कुल सही कहा है, आज तक ये लूटे आ रहे हैं पाकिस्तान को 70 साल, इतना कर्जा चढ़ा है। पूछना चाहिए कि आप कैसे गए पैसे, किधर लगा 95 अरब डॉलर है? तो उनका हक बंद है, पूछें किधर गया, कहीं लगा नहीं है पाकिस्तान। ये चेयरमैन ने भी कह चुका कई बार कि जी इतना कर्जा लिया है, कहीं दिखता नहीं है, मतलब कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। तो उनके अपने मालात देखें, उनके रहन सहन देखें और आवाम देखें गरीब। 74 साल करप्शन या 74 साल का जो गंद है, वो इतनी आसानी से जल्दी से साफ हो सकता है? यार, साफ ना हो हम नहीं मानते, लेकिन वो तरतीब पर जाए तो सही ना, वो प्रोसीजर तो फॉलो करे। जो कह रहे थे प्रोसीजर ही नहीं फॉलो शुरू हुआ, अभी तक तो अपनी गवर्नमेंट ही नहीं स्टेबल हो रही उनसे। कभी एक बंदा आ रहा है, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा जा रहा है, उनको टाइम नहीं दिया उन्होंने। खान साहब ने कहा था कि मैं जब इस क्रप टोले पे हाथ डालूंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आज वो अपोजिशन मुतहद हो गई है। यार, ये बात तो खान साहब की ठीक थी, ये विजन ठीक था उनका, यार पता था उन्हें, और इस पर भी अमल हो रहा है। इंशाल्लाह करे कामयाब, हमारी तो दुआ, हमारा मुल्क ठीक हो, हम सब ठीक हो, आप भी खुश हों, हम सारे खुश हों, अच्छी राह पे चल दुनिया में। तो बहसियत पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब हमारे मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, तो बराए करम अपने साथ जितने भी जो करप्ट लोग उन्होंने जोड़े हुए हैं ना, उनसे जान छुड़वाएं। आप कहते हैं जी 10 माह में हमने ये जो पिछला 40 साल का या 50 साल का जो करप्शन का जितना भी गंद इकट्ठा हुआ, हम उसको कर नहीं सकते, मगर 22 साल से आप स्ट्रगल तो कर रहे थे ना, तो 22 साल का तजर्बा किधर जाएगा? 10 माह तो मान लिया कि आपको गवर्नमेंट में 10 माह हुए, मगर वो 22 साल का तजर्बा किधर गया? वो आपके ने इतने बड़े बड़े जो दावे किए थे, वो दावे किधर गए? मैं बहसियत पाकिस्तानी ये मुतालबा करता हूँ कि मौजूदा हुकूमत, वो अगर कौमी असम्बली के रुकन है या सूबाई असम्बली के रुकन है या सेनेटर हैं और सदर पाकिस्तान और गवर्नर, ये कम अज़ कम अपनी तमाम तनख्वाहें 5 साल इन्होंने अगर गुजार रहे हैं, कह दें जी हम रजा कराना तौर पर हम छोड़ रहे हैं, सरकारी रिहाइशें छोड़ दें, जो बिजली गैस पेट्रोल पीआईए में जो 5 स्टार होटलों में जो ये मज़े लेते हैं वो छोड़ दें, फिर आवाम से तवक्को रखें। आवाम 70 साल से नहीं, उससे पहले से आवाम कुर्बानियाँ दे रही है। आवाम पे बार बार ये ना कहें जी आवाम कुर्बानी दे, आवाम दे रही है, वो इमरान खान साहब कहें या ना कहें, दोनों सूरतों में आवाम कुर्बानी दे रही है। ये एहतसाब तो क्या कर रहे हैं, बस लोगों को दिखा ही रहे हैं कि एहतसाब हो रहा है, लोग पागल, लोगों को पागल बना रहे हैं कि जी एहतसाब कर रहे हैं, एहतसाब कर रहे हैं, एहतसाब के नाम पे महंगाई देखने कितनी सी कितनी कर दी इन्होंने, और बजट में देखने कितने सूद चढ़ा दिए इन्होंने, ये क्या मुल्क चलाएंगे? गरीब बंदा तो तंग आ गया ना, उनसे एहतसाब करना है तो उनसे पैसे भी तो लेना। पर पिछली हुकूमतों की तरह खान साहब NRO या कोई डील नहीं कर रहे। अच्छा, खान साहब ने बयान दिया था कि मैं जब इन टोले पर हाथ डालूंगा ये सब मुतहद हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और आज वो देख लें अपोजिशन सारी मुतहद हो। वो तो मुतहद हैं, लेकिन ये भी तो कुछ करें ना, नवाज शरीफ साहब को देख लें, उनको जेल में डाला हुआ है, जो उन्होंने पैसा कौम का लूटा है वो लिया इसने? नहीं लिया। खान साहब की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब जेल चले गए, खान साहब की हुकूमत में जरदारी साहब जेल चले गए, खान साहब की हुकूमत में कल हमजा शहबाज को अरेस्ट किया गया, खान साहब की हुकूमत में ही कल अल्ताफ हुसैन को लंदन से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो कुछ तो काम वो कर रहे हैं। कर तो रहे हैं काम, लेकिन नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। महंगाई तफ्तीश चलेगी, अब तो उनके ट्रायल्स होंगे, उसके बाद ही कुछ सामने आएगा ना। वो तो फिर जारी सी बात है, पाकिस्तान है, पता नहीं कब तक तफ्तीशें चलती हैं, कब तक ये केस चलते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमारे इंसाफ के सिस्टम को भी स्पीड अप होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जजेस भी करप्शन करते हैं? करते हैं, और पक्की करते हैं, पक्की करते हैं, पक्की करते हैं।